नमस्कार वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर हेडलाइंस पर। लाउडस्पीकर के निर्णय पर मन से आज भी अटल। मन से नेता संदीप देशपांडे ने कहा, लाउडस्पीकर नहीं उतारे तो हम हनुमान चालीसा लगाएंगे। फर्नीचर की दुकान में लगी आग, 88 वर्षीय व्यक्ति की हुई मृत्यु। नागपुर जिले के काटोल में हुआ हादसा। और यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन में इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन, ऊर्जा मंत्री नितिन राउत थे उपस्थित। अब खबरें विस्तार से। मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर का विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच मनसे नेता संदीप देशपांडे ने कहा कि गृह मंत्री को सर्वोच्च न्यायालय के नियमों के अधीन होना चाहिए, महाराष्ट्र सरकार को लाउडस्पीकर को लेकर नियम बनाना चाहिए। साथ ही कहा कि हम हमारे निर्णय पर अटल है। मुळात आम्ही आमचं म्हणणं सांगितलेलं आहे की 365 दिवस जो त्रास लोकांना होतो या भोंग्यांच्या माध्यमातून ते भोंगे काढले गेले पाहिजेत, ही आमची भूमिका आहे आणि त्या भूमिकेवर आम्ही ठाम आहोत। आणि याची कल्पना आम्ही वळसे पाटील साहेबांना दिली आहे, त्याचप्रमाणे सुप्रीम कोर्टाचा जो निर्णय आहे त्याच्या अजून अधीन राहून त्यांनी नियमावली करावी। सुप्रीम कोर्टाचा जो आदेश आहे त्या आदेशाचं त्यांनी पालन करावं ना। त्याच्यामध्ये असं म्हटलेलं नाही आहे की रात्रीच नको दिवसा वाजवा हवे तेवढे, असं म्हटलेलं नाही। सुप्रीम कोर्टाचा आदेश एकदा त्यांनी नीट आणि त्यांना तो माहिती आहे। मला असं वाटतं महाराष्ट्र सरकारने याच्याबाबत नियमावली बनवावी लागेल त्यांना आणि कायद्याचं पालन करावं लागेल। त्यांनी बहिष्कार टाकलेला आहे, त्यांचे मुद्दे वेगळे आहेत। नागपुर जिले के काटोल में एक बेहद ही भयावह आगजनी का मामला सामने आया, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से एक फर्नीचर की दुकान को आग लगी। इस आग में जलकर एक 88 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु होने की दुर्दैवी खबर भी सामने आई। मृतक का नाम नूर मोहम्मद बोधर बताया गया। फर्नीचर की दुकान में बड़ी संख्या में लकड़ियां होने से आग ने रौद्र रूप धारण कर दिया। बताया जा रहा है कि आधी रात के दरमियान ये घटना घटी। शहर का मुस्लिम समाज समझदार है, समाज ने सामंजस्य दिखाकर सामाजिक सद्भाव शांति कायम रखने का सहयोग किया है। भविष्य में किसी भी भड़काऊ बयान कृति पर प्रतिक्रिया न देते हुए शांति अमन कायम रखने के लिए हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे, यह आवाहन पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने किया। यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन की ओर से इफ्तार कार्यक्रम में वे बोल रहे थे। आयोजित कार्यक्रम में पुलिस आयुक्त मितेश कुमार, अपर पुलिस आयुक्त नवीन चंद रेड्डी, पुलिस उपायुक्त चिन्मय पंडित, सहायक पुलिस आयुक्त नयन अलूरकर, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विश्वनाथ चौहान, अहमद शेख, मौलाना हसन ईमानदार, अब्दुल मजीद, मोहम्मद अल्ताफ शेख, अकील अहमद, मोहम्मद आरिफ हुमायूं, शबाना बेगम आदि उपस्थित थे। मुस्लिम बंधुओं को रमजान महीने की शुभकामनाएं देकर पालक मंत्री डॉक्टर राउत ने कहा कि प्रत्येक को अपना धर्म प्रिय लगता है, लेकिन धार्मिक उन्माद दहशत निर्माण करने वाले बयानों को नजरअंदाज कर सामाजिक शांति कायम रखना आवश्यक है। नागपुर शहर के मुस्लिम समाज समझदारी दिखाए, योग्य भूमिका लेकर धर्म का सम्मान करने के साथ संविधान का पालन करे। भविष्य में शहर की कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए समाज पुलिस प्रशासन सहकार्य करेगा, यह भी विश्वास व्यक्त किया। पुलिस आयुक्त मितेश कुमार ने कहा कि कानून व सुव्यवस्था बिगाड़कर शहर में अशांति निर्माण करने वाले असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस हमेशा तैयार है। सभी समाज के लोग ऐसे विचारों के लोगों पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस प्रशासन को सहयोग करें। धार्मिक सद्भाव कायम रखने के लिए सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। पुलिस उपायुक्त पंडित ने कहा कि रमजान के पवित्र महीने में प्रेम और शांति का संदेश देने के लिए परिमंडल पांच और यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन की ओर से इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार ने कहा कि सावनेर के जलालखेड़ा गांव में 100 मेगावाट का सौर ऊर्जा पार्क स्थापित होने से यहां रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और परिसर की समृद्धि भी बढ़ेगी। उनके हाथों अटलांटिक ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड की ओर से निर्मित सौर पार्क का उद्घाटन किया गया। वेरिएंट एनर्जी व्यवस्थापकीय चित्तराग के संचालक श्री निवासन खड़का, विजय कुमार, पंचायत समिति सभापति अरुणा शिंदे, उप विभागीय अधिकारी अतुल मेहत्रे, जिला परिषद सदस्य प्रकाश खापरे, पंचायत समिति उपसभापति प्रकाश पराते, गोविंदराव ठाकरे, सरपंच गुणवंत काले व विद्युत विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। केदार ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सके, इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। इस प्रकल्प से निश्चित ही स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। प्रकल्प के साथ ही यह उद्योजकों को आमंत्रित कर उद्योगों का जाल भी निर्माण करना है, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके।
उन्होंने कहा कि अधिकारी सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर सहयोग करें। 100 मेगावाट के इस प्रकल्प की क्षमता जल्द से जल्द 500 मेगावाट तक ले जाना तय किया गया है। सभी की मदद जरूरी है। जिला परिषद सदस्य व सरपंच गांव में सौर ऊर्जा के उपकरण व्यवस्थापन करें। अधिकारियों से इस संदर्भ में जानकारी ले। क्षेत्र के सभी तालाबों की गाद निकालकर खेतों में डालने का उपक्रम भी इस वर्ष शुरू करना है। रोशन बोकड़े के साथ दिशा हटवार, वीकेबी न्यूज। विजय वडेट्टीवार प्रतिक्रिया देते हुए बोले कि किरण सोमैया को थाने जाने की जरूरत नहीं पड़ी, जब लोगों की भावनाएं तीव्र थी। अगर वे इससे बचते हैं तो उनके साथ यह घटना नहीं होती। अब वह घटना को कवर करने दिल्ली गए हैं। राहत और पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कहा कि यह मुंबई और महाराष्ट्र को अस्थिर करने की एक चाल है। यह आरोप पुनर्वसन मंत्री इन्होंने किरण सोमैया पर किया है। तर पोलीस त्या तिकडे जाण्याची आवश्यकता होती का, जिथे लोकांचा जमाव होता, शिवसैनिकांचा जमाव होता, लोकांच्या भावना तीव्र होत्या, अशा स्वरूपामध्ये तिकडे जाण्याचं जर सोमय्याजीने टाळलं असतं तर हा प्रसंग घडला नसता, किंवा या प्रसंगाला सामोरं जाण्याची पाळी आली नसती। आणि म्हणजे मला असं वाटतं की तुम्ही तिकडे माहीत असूनही जर पोलीस स्टेशनला जाताय, बरं, हे सगळं करत असताना आणि यामागचा हेतू काय आहे? मग तुम्हाला महाराष्ट्र दिल्लीला अशांत करण्याचा, आपल्या सॉरी मुंबईला अशांत करण्याचा, महाराष्ट्राला अशांत करण्याचा उद्देश केवळ हा दिसतो आहे आणि यातूनच त्यांनी हे पाऊल टाकलं असावं। खबरों के सिलसिले में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। ब्रेक के बाद फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। खुशी की बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देश में बड़े पैमाने पर स्वीकृति मिली है। अनेक स्तर पर उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उसको प्रभावी तरीके से अमल में लाने की जिम्मेदारी अब शैक्षणिक नेतृत्व की फाइनेंस ऑडिट से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑडिट की आवश्यकता है। यह बात मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय सड़क यातायात व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कही। वह रिसर्च फॉर रिसर्चर्स फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित कॉन्फ्रेंस ऑफ एकेडमिक लीडरशिप शैक्षणिक नेतृत्व की दो दिवसीय संगोष्ठी के उद्घाटन के अवसर पर शनिवार दोपहर विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के परिसर में स्थित सभागार में बोल रहे थे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री रामदेव बाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के चेयरमैन सत्यनारायण नुवाल, मुख्य वक्ता के रूप में भारतीय शिक्षण मंडल के अखिल भारतीय संगठन मंत्री मुकुल कानिटकर और विश्वेश्वरैया
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर के निदेशक डॉक्टर प्रमोद पडोले मंच पर उपस्थित थे। जो अच्छा है उसे स्वीकार करो, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि लीडर और फॉलोअर में अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। आपकी टीम आपके साथ चले और उसमें स्पिरिट होना चाहिए। लीडर यदि टीम बनाकर उसका समन्वय नहीं करा सकता तो उसका अर्थ नहीं है। शक्ति होने के साथ ही उसका उपयोग करना भी आना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जो राष्ट्र निर्माण के बारे में सोचते हैं वह 100 वर्ष के बारे में सोचते हैं। शॉर्टकट आपको छोटा कर देता है। हमारी 25 साल बाद की पीढ़ी संस्कार के साथ ज्ञान और शक्ति से संपन्न हो। शिक्षा रोजगार से पहले व्यवसाय विमुख ही होनी चाहिए। रिसर्च आवश्यकता आधारित होनी चाहिए। भविष्य के लिए सच और जो अच्छा है उसे स्वीकार करो। स्वामी विवेकानंद ने पहले ही कह दिया था कि 21वीं सदी भारत की होगी, उसके लिए आप विचार करें और सभी क्षेत्र में काम करें। मनपा चुनाव के ठीक पहले एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी में असंतोष पनप रहा है। अब तक बहुजन समाज पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट संदीप ताजने के खिलाफ नाराज पदाधिकारियों व कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर बोल रहे थे। रविवार को कुछ पूर्व पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने खुलेआम मोर्चा खोल दिया है। एडवोकेट ताजने हटाने की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं ने नारी रोड स्थित पार्टी कार्यालय के सामने ही धरना आंदोलन किया। इस दौरान पूर्व पदाधिकारियों ने प्रदेशाध्यक्ष ताजने पर पार्टी में पद देने के लिए सीधे पैसे मांगने का गंभीर आरोप लगाया है। आंदोलनकारी पदाधिकारियों का कहना है कि इसके अलावा अलग अलग कार्यक्रमों के लिए पैसा मांगा जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेशाध्यक्ष ने पार्टी के पैसों से अपना घर बनाया है, इसके साथ खुद के लिए गाड़ी खरीदी है। इस धरना आंदोलन में पूर्व जिलाध्यक्ष विलास सोमकुंवर, पूर्व शहराध्यक्ष महेश सहारे, पूर्व प्रभारी योगेश लांजेवार, पृथ्वी शेंडे, रंजित सहारे सहित अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता सहभागी थे। कुछ लोग गृह सचिव से मिलने गए क्योंकि उसके होठों पर खून लगा था और इस बात को आधार बनाकर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए ऐसी अपील करते हैं, तो फिर उत्तर प्रदेश में जहां पिछले 3 महीने में 17 रेप हुए, क्या वहां राष्ट्रपति शासन नहीं लगना चाहिए? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में एक साथ राष्ट्रपति का शासन होना चाहिए। अगर अपील करने जाने वालों को कोई परेशानी है तो वो महाराष्ट्र के गृह मंत्री से मिलने जाते। जो हो रहा है वो पाखंड है। संजय पांडे एक सक्षम अधिकारी है, वह अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा आज सुबह किरण सोमैया की दिल्ली विजिट पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय राउत ने कहा। केंद्रीय गृह सचिवांना भाजपचं शिष्टमंडळ काय जरा म्हणतात ते तुम्ही किंवा महामंडळ ते 7 वेळा भेटून आलं, तेच विषय आहे। आता कोणाला तरी इथे थोडंसं ओठाखाली रक्त आलं म्हणून राष्ट्रपती राजवट लावा सांगायला गेले। उत्तर प्रदेशमध्ये गेल्या 3 महिन्यामध्ये सरकार आल्यापासून 17 बलात्कार झाले। कालचं प्रकरण प्रयागराजचं मी पाहत होतो, तृणमूल काँग्रेसचं शिष्टमंडळ त्या मुलीला भेटायला गेलं होतं काल। किती बलात्कार झाले चेक करा तुम्ही, तिथे लावत्या का राष्ट्रपती राजवट? महाराष्ट्रामध्ये ह्या लोकांना काही काम नाही धंदा, राष्ट्रपती राजवट लावा अमुक करा। तुमचे काही प्रश्न असतील लॉ अँड ऑर्डर संदर्भात किंवा अजून काही, तुम्ही राज्याच्या गृहमंत्र्यांना भेटायला हवं, तुम्ही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना भेटायला भेटा ना। असं देखील कळतंय की जे अमित शाह आहेत अमित शहांना देवेंद्र फडणवीसांनी काल फोनवरनं या संदर्भातली माहिती दिली। काही माहिती दिलं काय हरकत नाही। उत्तर प्रदेशमध्ये 17 बलात्कार झाले गेल्या 3 दिवस, त्याच्याविषयी सुद्धा कोणी माहिती देत असेल गृहमंत्र्यांना घेतली असेल माहिती? जे राष्ट्रवादी राजवट लावायचीच असेल तर उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र एकदम लावा लावा ना। हे ढोंग चालली आहे सगळी, हे 2-4 लोक जातात दिल्लीला उतरतात, पत्रकारांना भेटतात, महाराष्ट्राची बदनामी करतात। महाराष्ट्राच्या बदनामीचे षडयंत्र आणि हे षडयंत्र असंच चालू राहिलं तर या महाराष्ट्र द्रोही जी लोक आहेत त्यांच्या लोक जागोजाग चपला मार। संजय पांडे सर, मुझे मालूम नहीं कौन जा रहा है, कोई डेलीगेशन जा रहा है 2-4 लोग पकड़कर। क्या हो गया महाराष्ट्र में, किसी को यहाँ थोड़ा खून आ गया है? तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भाई जाइए, अगर आपकी कोई समस्या है तो आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिलिए, महाराष्ट्र के गृहमंत्री से मिलिए, आप उनको अपना निवेदन दीजिए। लेकिन आप दिल्ली में जा रहे हो, ये क्या चल रहा है?
उत्तर प्रदेश में 3 महीने में 17 बलात्कार हुए, हत्याएं हुई, आपको मालूम है? तो क्या राष्ट्रपति शासन लगाएंगे वहाँ? वो राज्य का लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, राज्य देख लेंगे। योगी जी सक्षम है, मैं मानता हूँ, योगी जी काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में काम हो रहा है। तो यहाँ से भागेंगे 4-5 लोग पकड़कर, दिल्ली में उठेंगे, महाराष्ट्र को बदनाम करेंगे, ये तमाशा बना रखा है लोगों ने। चलो धन्यवाद। संजय पांडे मदद करत नहीं है। संजय पांडे एक सक्षम अधिकारी आहेत, संजय पांडे एक निष्पक्ष प्रामाणिक अधिकारी आहेत, बरं का? त्याच्यामुळे चांगला अधिकाऱ्यांवरती असे आरोप करू नये। पर्ली बीड में एक व्यक्ति ने बड़े चाव से ओला के इलेक्ट्रिक बाइक खरीदी, मगर वो गाड़ी उसे रास नहीं आई, वह बंद पड़ने लगी। कंपनी से बार बार शिकायत करने के बावजूद नई इलेक्ट्रिक बाइक में आ रही परेशानी से त्रस्त होकर उस व्यक्ति ने एक अनोखी तरकीब निकाली। बाइक के मालिक ने गधे को गाड़ी से बांधकर शहर के चारों ओर इलेक्ट्रिक बाइक घुमाई। अब यह वाकया परिसर में चर्चा का विषय बना हुआ है, साथ ही इससे कंपनी की बदनामी भी हो रही है। पर्ली के सचिन गीते ने ओला कंपनी से इलेक्ट्रिक बाइक खरीदी, लेकिन केवल 6 दिनों में बंद पड़ गई और फिर कभी शुरू नहीं हुई। लेकिन शिकायत के बावजूद उन्हें कंपनी की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। नतीजतन पीड़ित ग्राहक ने बंद बाइक से गधे को बांधकर सड़क से खींचकर अलग तरीके से विरोध किया। अब यह व्यक्ति और ओला की गाड़ी दोनों की चर्चा पूरे परिसर में हो रही है। अब देखने वाली बात यह भी होगी कि ओला कंपनी किस तरह से इस प्रकरण को संभालती है। सप्टेंबर महिन्यामध्ये ओला कंपनीची गाडी बुक केली होती, जी मला 24 मार्चला मिळाली आणि 24 मार्चनंतर लगेच 8 मार्चला गाडी बंद पडली। मी कंपनीला 9 मार्चला मेल केला की गाडी बंद झालेली आहे, कंपनीचा काही रिस्पॉन्स आला नाही। मी कस्टमर केअर लावला, जो ऑल इंडिया एकच कस्टमर केअर नंबर असल्यामुळं सतत ट्राय केला तरी लागत नाही आहे। आणि कंपनीचे कोणते शोरूम नाहीत, कोणतं नियोजन नाही, सर्विस बोगस आहे, गाडी बोगस आहे। माझ्या जनतेला आव्हान आहे की ही गाडी कोणी खरेदी करू नये, बोगस गाडी आहे। पेन सिंचाई विभाग के टिकाड़ी उपविभाग अंतर्गत आने वाले बोर्डा रोड से गहू हिवरा रोड तक फोरवे को लगकर जाने वाले कैनल, जो करीब 4 किलोमीटर का लाइनिंग का सीमेंट कंक्रीट का काम चालू है। इसमें सीमेंट की जगह बड़े पैमाने पर कोयले की राख का इस्तेमाल किया जा रहा है। सिंचाई विभाग के अधिकारी के आशीर्वाद से ठेकेदार जनता के टैक्स के पैसों से बनने वाले कैनल के काम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। हर साल कैनल के काम बराबर किए जाते हैं और फिर से साल भर में ही खराब हो जाते हैं। जनता की गाड़ी कमाई के पैसे टैक्स के रूप में जमा करके इन विकास के कामों में लगाए जाते हैं। इन कामों का किसानों को तो इसका फायदा कम ही मिलता दिखता है, परंतु ठेकेदार और अधिकारी ऐसे भ्रष्ट काम करके शासन प्रशासन और जनता को लूट रहे। एक तरफ खेती किसानी व फसलों के बेहाल है और दूसरी तरफ खाद के भाव बढ़ रहे, कीटनाशक बीज के भाव, डीजल पेट्रोल के भाव भी दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और किसानों के नाम पर ठेकेदारों और अधिकारी जनता के टैक्स के पैसों से ऐसे भ्रष्ट काम करके लूटमार कर रहे हैं। महाविदर्भ किसान संगठन के किसान नेता संजय सत्यकार, इन्होंने सरकार से व इस विभाग के मंत्री बच्चू कड़ू से इस प्रकरण में ध्यान देकर इस काम की जांच करके ठेकेदार और अधिकारियों पर कड़क कार्रवाई करने की मांग की है। कॅनलचं लाईनिंगचं काम सुरू आहे बोर्डा रोड ते गहुवीरा रोड। या 7 किलोमीटरच्या कामामध्ये नियमाला डावडून सिमेंट काँक्रीटच्या कामामध्ये कोळशाची राखड वापरून हे काम केलं जात आहे। असं काम जर होत असेल तर अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादशिवाय ठेकेदार कसं हे काम करतात हा प्रश्न पडून राहिला। आज सरकारच्या तिजोरीमध्ये हे लूटमार सुरू आहे, जनतेच्या टॅक्सच्या पैशामधून लोकांच्या ह्या पैशाला सरकारी कर्मचारी आणि अधिकारी ठेकेदाराला सोबत मिळून कशा प्रकारे लूटमार करतात हा याचं उदाहरण आहे। आमचं या प्रकरणाची खोलवर चौकशी होऊन या अधिकारी आणि ठेकेदारावर कडक कारवाई व्हायला पाहिजे असं या आपल्या या माध्यमातून आमचं म्हणणं आहे। VKB न्यूज के लिए कामठी से नितिन रावेकर की रिपोर्ट। सोमवार को वर्धा के महादेवपुरा में मुख्य महादेव मंदिर के पास शिवगढ़ी भंडार में दोपहर करीब 12:30 बजे आग लगी। आग इतनी भीषण थी कि दूर से ही आग का धुआं देखा जा सकता था। इस आग में दुकान मालिक का बहुत नुकसान हुआ, हालांकि एक निश्चित रकम अब तक सामने नहीं आई है। इस दरमियान दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। इस वक्त आग को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। पीछे से उनके गोदाम से चिंगारी उड़ी है, शायद कपास के ऊपर में ऐसा मालूम पड़ा है। और आग देखते देखते काफ़ी बढ़ गई थी। फायर ब्रिगेड को बुलाए, फायर ब्रिगेड अपना काम कर रही है।
लेकिन बहुत ज़्यादा उनका नुकसान हो चुका है फायर ब्रिगेड आए तक के, वो तो नहीं दिखी मुझे, अभी पता नहीं है मुझे उसके बारे में। ये शायद हो सकता है दुकान वालों ने दिया होगा, लेकिन मैं वहाँ जब पहुँचा तो उनको बोला कि फायर ब्रिगेड अर्जेंट भेजिए, तो उन्होंने अर्जेंट फायर ब्रिगेड आई है। वीकेबी न्यूज़ के प्राइम टाइम में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।